हाची को जापान का वफादार कुत्ता अटल वफादारी और दोस्ती की अलामत है। उसकी कहानी 1924 में उस वक्त शुरू हुई जब वह जापान के शहर ओडेटे में पैदा हुआ। हाची को उसका मालिक हाइटसाबुरो यूएनओ टोक्यो लाया, जो टोक्यो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। हाची को और यूएनओ ने तेजी से एक मजबूत रिश्ता बना लिया और हाची को हर रोज अपने मालिक के साथ शिबोया ट्रेन स्टेशन पर जाता। एक साल से ज्यादा अरसे तक हाची को सबर से स्टेशन पर यूएनओ के काम से वापिस आने का इंतजार करता, लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि मई 1925 में यूएनओ को काम के दौरान फालिज का दौरा पड़ा और इसकी मौत हो गई। लेकिन हाची को हर रोज स्टेशन पर अपने मालिक के लौटने का इंतजार करता। हाची को 9 साल तक स्टेशन पर इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि 1935 में इसका इंतकाल हो गया। शिबोया के लोग इस कहानी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने ट्रेन स्टेशन पर उसका मुजस्मा खड़ा कर दिया। हाची को की कहानी तब से पूरी दुनिया में वफादारी की अलामत बन गई है। अपने मालिक के लिए इसकी नाकाबिले यकीन लगन और हर रोज स्टेशन पर इसका इंतजार करने का अज़्म अपनी मिसाल आप है।